हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज आपका भाई अपने छोटे भाई के साथ दोस्तों महावीरन धाम पर आया हुआ है दोस्तों, क्योंकि आज है मंगलवार। और दोस्तों आज हनुमान जी महाराज के मंदिर जो कि पहाड़ी गांव में स्थित महावीरन धाम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अभी उसके नीचे खड़े हैं। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, भाई के साथ अपने आए हैं और दोस्तों नए गेटअप में आए हैं। तो वो गेटअप हम भी धाम पर चलने लगेंगे, तो आपको एक नया गेटअप, यानी कि मैं एक नया गेटअप पहना हुआ हूँ, तो वो आपको दिखाऊँगा। फिलहाल के मेरा भाई बनाएगा वो, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। धाम के नीचे हम पहुंच चुके हैं और चलिए फटाफट से धाम के अंदर चलते हैं। तो महावीरन धाम पर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। और बहुत दिन से आपके भाई की इच्छा हो रही थी, तो फाइनली आज महावीरन धाम पर आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके भाई को। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, हनुमान जी महाराज का दर्शन आप लोगों को कराते हैं और खुद भी करते हैं, और आप लोगों को एक नई ऊर्जा के साथ नई ऊर्जा देते हैं, क्योंकि महावीरन हनुमान जी महाराज सबके कष्ट को हरें। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ब्लॉग को कंटिन्यू एंजॉय कीजिएगा, आज बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आपको, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, मिस कर देंगे तो मज़ा रहिएगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मेरे प्रभु कल्याण करो, प्रभु कल्याण करो, कल्याण करो प्रभु। प्रभु हम भी शरणागत हैं, श्री प्रभु के चरणों में एक छोटा सा निवेदन और स्वागत है। और प्रभु आज प्रभु के धाम पे आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और धाम पर आने का एक परम सौभाग्य जो है दोस्तों आपके भाई को प्राप्त हुआ है। तो आप सबके लिए प्रेम और संगत की आरती आज हम करेंगे यहाँ पर, काफ़ी अच्छा रहेगा। और भगवान से दुआ करेंगे आप सब स्वस्थ हों, अच्छे हों, सकुशल हों। तो चलिए भगवान से विनती करते हैं और आप सब भी भगवान हनुमान जी महाराज का परम दर्शन कीजिए, और कमेंट में हर हर शंभु और जय महावीरन धाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके कष्ट महावीरन धाम हर लें। तो चलिए आइए महावीरन धाम की आरती पूजा करते हैं, उनमें लीन होते हैं और आपको एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए देख लीजिए। अदुरित बल धाम हेम शैलापदेहम गंजमन कुसान्यानामाभिगण्यम सकल गुण निधानं बालनामदीसं रघुपति भक्तं मसके राक्षसं रावण महावारं वंदे अहम निलात्मजं अंजनानंदनं वीरं जानकी सोखयासनं कपीरवक्षहंतारं वंदे लंकाभयंकरं पुरंधराय सिंधुशैलशल्यं यासोकमञ्जनकात्मजा आदाय तेजोवर्धालंकारमामिदं कृतिरांजनेयं मनोजवं मार्गदर्शयवेगं जीतेन्द्रियं तो दोस्तों आप लोग दर्शन कर लीजिए, महावीरन धाम के प्रभु लोग हैं, तो ये सब अपने प्रभु हैं, तो इनका दर्शन आप लोग कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। आज आपका भाई आया है और आप लोगों को दर्शन करा रहा है, इसके साथ ही साथ हम हनुमान जी का भी दर्शन आप लोगों को करा देते हैं। तो दोस्तों आप दर्शन कीजिए हनुमान जी महाराज का और कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री महावीरन धाम,
और ये महावीर धाम की सरकार हैं जो कि समस्त ग्रामवासी जो पहाड़ी ग्रामवासी है उनकी रक्षा करते हैं। तो इनके लिए जय श्री महावीर धाम जरूर लिखिएगा और इधर भी सब देवी देवताओं का दर्शन कर लीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री महावीर धाम। दोस्तों ये भी एक अंगरक्षक हैं जो कि यहाँ पर हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इनका भी दर्शन कर लीजिएगा आप लोग। और प्लीज़ आप लोग अपने भाई परिवार बंधु सहित इनका दर्शन कीजिए क्योंकि सारे विपदा को होते हैं, इनका नाम ही है। इस धाम पर आने के बाद आपको हमेशा सुख ही प्राप्त होगा, सारी इच्छाएं यहाँ पर आपकी पूर्ण होंगी। और अब दर्शन कीजिए आप शंभु महादेव की जो कि यहाँ पर विराजमान हैं, आप देख लीजिए। और इनको भी हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए शंभु विराजमान हैं जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य है, आप देख सकते हो। और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है और जिससे हर ये आपके सारे दुख दर्द हरें, तो एक बार कमेंट में हर हर शंभु ज़रूर लिख दीजिएगा। गाइस फाइनली आपका भाई वहाँ से आ चुका है दोस्तों, और वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा थक गया था दोस्तों, इसलिए सो गया था। तो सोने के बाद उठा हूँ दोस्तों और अभी इन कुत्तों के साथ खेल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। ये देखिए पीछे से दिख रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छे लगते हैं दोस्तों, इनके साथ थोड़ा मस्ती हो जाती है तो अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, इनके साथ खेलना भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये वाला तो सर अपना जौड़ ये देखते हैं, बहुत ज़्यादा जौड़ है, ये देखो बहुत ज़्यादा जौड़ है, बहुत ही अच्छा कुत्ता है, ये देख सकते हो अब दिख रहा है आपको, काफ़ी अच्छा है, किसी के साथ खेल रहे हैं दोस्तों। और वहाँ से आ गए थे और आने के बाद आपका भाई जैसे कि आपको बताया सो गया था, इसके बाद हम अभी उठे हैं आधा घंटे पहले, तो वे उठे तो इधर उधर वगैरह खेल रहे हैं, मतलब घूम टहल रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना आपको सूचना दे देते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको वहाँ का सीन कैसा लगा, हमने बहुत ही अच्छा व्यू दिखाया दोस्तों, पहाड़ से काफ़ी नीचे देखने में बहुत ही अच्छा व्यू है, कतई ओसम है। और हाँ दोस्तों, अब हर मंगलवार को आपका भाई वहाँ पर जाएगा और अलग अलग एडवेंचर की जगह जाकर शूट करेगा, मतलब वहीं पर हम अलग अलग तरीके से आपको दिखाएंगे क्योंकि एक ही ब्लॉग में एक चीज़ नहीं दिखा सकते, इसलिए अलग अलग टाइप की चीज़ दिखाएंगे, तो आपको ब्लॉग देखिएगा, आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो फिलहाल के दोस्तों अभी यहीं बैठे हैं, अब चलते हैं दोस्तों, मतलब थोड़ा सा घर वगैरह में बैठते हैं पापा जी लोगों के साथ, तो देखते हैं क्या सीन है, अभी कुछ खाते पीते भी हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं।